वही वे वेलकम टू जेई मेरिट परिवार हेलो स्टूडेंट मेरा नाम है प्रीति परिवार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कि हम एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था स्टार्टिंग इस लेक्चर की करी थी मतलब यूनिट टू की हमने क्या करी थी स्टार्टिंग करी थी तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में जितनी टर्म्स बढ़ी थी उन्हीं टर्म्स को लेके हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी कर लिया था तो क्या चीज़ आज हम स्टडी करने वाले हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स साइनासोडल वेव्स की भी और साइनासोडल के अलावा हमारी जो अदर वेव्स होती हैं उन वेव्स की भी साइन वेव के अलावा अदर भी हैं उनकी भी हम क्या चीजें स्टडी करेंगे आज एवरेज और आरएमएस वैल्यू को स्टडी करेंगे तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो साइन वेव से करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या करेंगे वेव्स को यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है हमारी फर्स्ट वेव जो है वो है प्योर साइनासोडल वेव प्योर साइन वेव लिख लो या फिर तो प्योर साइनोसोइडल वेव की हम क्या निकालेंगे एवरेज या आरएमएस वैल्यू निकालेंगे एवरेज या आरएमएस वैल्यू क्या होती है ये चीज हमने छोटी छोटी किस्में भी बता दी थी लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में आपको बता दिया था ठीक है तो एवरेज निकालने के लिए किसी भी चीज का हम क्या निकालते हैं जब एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो क्या चीज बताई थी कि एवरेज वैल्यू किसी भी चीज की अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल वन बाई टी जीरो टू टी फंक्शन ऑफ डी टी फंक्शन मतलब जिस भी चीज का तुम क्या निकाल रहे हो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो तो ये हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है तो हमने जो फर्स्ट टर्म डाली है वो किसकी निकालने के लिए डाली है प्योर साइन वेव की तो ये हो गई हमारी प्योर साइन वेव तो इस तरीके से साइन वेव होती है ये जिस चीज का हमें एवरेज निकालनी है वोल्टेज की एवरेज निकालनी है करंट की एवरेज निकालनी है वो वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं तो हम वैल्यू किसकी ले रहे हैं अगर वोल्टेज वोल्टेज की निकालो V होता है तो वहां पर हम आई इजिकल टू वी अपॉन आर करके किसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं करंट की एवरेज भी निकाल सकते हैं तो चाहे हम वोल्टेज की वैल्यू निकालें चाहे करंट की निकालें उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये आउटपुट वोल्टेज जो भी हमें मिलेगी ये हमें मान लो साइन वेव किसी चीज की आउटपुट वोल्टेज मिल रही है इसी का हम क्या निकालेंगे एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे ये मान लो यहां मैक्सिमम वैल्यू है तो ये बीएम एम वैल्यू हो गई ये कितना होता है पाई और ये कितनी होती है टू पाई अगर हम टाइम पीरियड के टर्म में भी इसे कहें तो टाइम पीरियड के टर्म में भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं टाइम पीरियड क्या होता है कि जितने में भी तुम तुमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी भी करा था टाइम पीरियड क्या होता है वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है अगर टाइम पीरियड को भी हम हाँ, डिफाइन करें तो इसे टी लिख सकते हैं और इसको टी बाय टू लिख सकते हैं तो टाइम पीरियड में भी हम क्या कर सकते हैं वेव को डिफाइन कर सकते हैं टाइम पीरियड में नहीं करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड ही क्या होता है हमारा पाई टू पाई ये भी तो यही है कि एक साइकिल जो पूरी होती है वो कितने की होती है कंप्लीट एक साइकिल टू पाई की हाफ साइकिल पाई की तो, तो हमने चाहे टाइम पीरियड में डिफाइन करना हो या फिर तुम्हें टू पाई और पाई में डिफाइन करना दोनों में हमने वेव को क्या कर दिया डिफाइन कर दिया अब हमें इस वेव का एवरेज लेना है देखो जब तुम एवरेज लोगे एवरेज किसका ले रहे हो वोल्टेज का एवरेज ले रहे हो तो जब आउटपुट वोल्टेज लिख रहे हो आउटपुट लिखो खाली वी लिखो फंक्शन लिखो जो लिखना है वो तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो मैंने वी नॉट लिखा है आउटपुट वोल्टेज तो हमने वी नॉट यहां पर लिख दिया ठीक एवरेज निकालना है फंक्शन हमारा क्या है वोल्टेज का ही यहाँ पर फंक्शन है जो हम एवरेज निकालना है वो किसका निकालना है वोल्टेज का कितने टाइम वन बाय टी वन बाय टी यहां भी कितने टाइम पीरियड का ये साइकिल देखो टी टाइम के बाद बार बार क्या करेगी रिपीट करेगी तो एवरेज जो निकालते हैं वो होता क्या है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स तो यहां पर ये जो इवेंट है साइन वेव है ये बार बार किसके बाद रिपीट होगी टी टाइम के बाद या टू पाई साइकिल के बाद ये साइकिल ऐसे ही बार बार क्या होगी रिपीट होगी तो अगर हम एक साइकिल का निकाल लें तो कंप्लीट साइकिल का भी एवरेज क्या होगा वही होगा इसी के लिए तो हम क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन भी हमारी एवरेज की फॉर्म है लास्ट लेक्चर से हमें ये पता चल गया था तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सिर्फ एक वेव का निकालेंगे और कंप्लीट का क्या हो जाएगा उससे एवरेज निकल जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ टू पाई साइकिल या टी टाइम पीरियड का तो वन अपॉन टी टी कितना है हमारी कितनी की एक साइकिल है जो टी कंप्लीट टाइम है वो कितने की है टू पाई की है तो वन अपॉन टू पाई जीरो टू टू पाई फंक्शन किसका फंक्शन है ये देखो वोल्टेज का ही तो है ये जो वैल्यू है हमारी फंक्शन है ये साइन वेव है और साइन वेव में हमें पता है कि जो साइन वेव में ये वैल्यू होती है कंप्लीट इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी आई होती है और हम जो वेव होती है या वोल्टेज होती है उसे हम क्या भी लिख सकते हैं डी ओमेगा टी डी टी जिसकी रेस्पेक्ट में करना चाहो उसके रेस्पेक्ट में तुम यहां लिख सकते हो वन अपॉन्ट टू पाई जीरो लिखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी की रिस्पेक्ट में ही हमने यहां पर क्या करा है इंटीग्रेशन कर दिया ठीक है तो ये हमने इसकी रेस्पेक्ट में यहां पर इंटीग्रेशन कर दिया बी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी इस तरीके से इसे लिख दो ठीक है साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी ताकि कंफ्यूज ना हो ओमेगा टी हमारा एक साथ ही से थीटा भी लिख सकते हो तो साइन थीटा डी यहाँ पर डी थीटा भी यहाँ पर क्या लिख सकते थे यहां कर सकते थे कंप्लीट वैसे हमें देखो यहां से भी दिख रहा है जितनी वैल्यू वैल्यूम यहां है उतनी वैल्यू ही वी यहां निगेटिव में भी होती है तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे वन अपॉइंट टू पाई तो वीएम क्या, क्या है कॉन्स्टेंट है तो वीएम को तुम क्या कर सकते हो बाहर निकाल सकते हो किसका इंटीग्रेशन करना है साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस टी लिमिट कितनी है जीरो टू टू पाई देखो जितना ये यहाँ पर आ रहा है अगर तुम जीरो करो तो भी वीएम साइन ओमेगा टी है पाई टू टू पाई करो तो भी हमारा कितना है यहाँ पर वीएम साइन ओमेगा टी ही है तो कंप्लीट तुम्हारी एक एसी की साइकिल है इसीलिए हमने क्या करा जीरो टू पाई का ही यहां पर वैल्यू ले ली वी एम बाई टू पाई माइनस बाहर ले लिया अगर पॉस ओमेगा टी कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है तो हमने अपर लिमिट रखी कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो माइनस वी एम बाई टू पाई कॉस टू पाई की यहां पर कितनी वैल्यू हो चाहे कॉस पाई हो चाहे कॉस टू पाई हो चाहे कॉस थ्री पाई, पाई, पाई हो फोर पाई हो सबकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है कितनी होती है वन होती है ये पता है ना कॉस टू पाई को या पाई हो पाई कितना भी मल्टीपल करते जाओ जो कॉस पाई की वैल्यू होगी वही हमारी कोई भी कॉस हो कॉस एन पाई की वैल्यू भी क्या होगी वही होगी तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉस पाई था यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं वन लिख सकते हैं कॉस जीरो कौस जीरो कितनी होती है वन वन माइनस वन इज जीरो जीरो के किसी से भी मल्टीप्लाई आउटपुट क्या आएगा जीरो तो इसका मतलब हमारा जो आउटपुट का एवरेज आएगा मतलब आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू आ रही है या V की जो एवरेज वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली V एवरेज हमारा कितना निकला है जीरो निकला है तो साइन वेव का जो एवरेज वैल्यू निकलती है साइन वेव की जो एवरेज वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है जीरो ये डेरिवेशन हमने करके दिखा दी ताकि तुम्हें अब जितनी भी डेरिवेशन हो बहुत शॉर्ट में करें और तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए हमने क्या करा है एक डेरिवेशन पूरी वाइडली यहाँ पर सॉल्व करके दिखाई ये चीज तुम यहां से भी देख सकते हो कि जो एवरेज वैल्यू होती है जितनी ये वैल्यू ऊपर जा रही है उतनी सेम वैल्यू नीचे जा रही है जहां जहां पॉइंट पे यहाँ से पास हो रहा है उन्हीं उन्हीं पॉइंट से निगेटिव में भी पास हो रहा है तो अगर हम एक तरीके से देखा जाए और हमने पावर में जो लास्ट टाइम निकाले मतलब जो पावर अब यहाँ तो आगे पढ़ोगे अभी तुमने एवरेज वगैरह निकालना मतलब पावर वगैरह अभी देखी नहीं है लास्ट में तो हमने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है यहां पर जो कंप्लीट साइकिल होती है तुमने ये देखा कि जितनी पावर जितनी वोल्टेज ऊपर है उतनी वोल्टेज नीचे है जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आ रही है वैसी वैसी नेगेटिव वैल्यू कहां जा रही है नीचे अगर हम जितनी पॉजिटिव में कोई चीज है उतनी ही नेगेटिव में कोई चीज है अगर उन्हें जोड़ दें सम कर दें तो ओवरऑल एवरेज क्या आएगा जीरो आएगा मान लो ऊपर प्लस वीएम है नीचे माइनस वीएम है दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा जीरो आएगा तो ये तो हमने खाली 90 पे वीएम वीएम देखा था तो 90 के अलावा 90 से कम या 90 से पाई तक भी क्या हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव वैल्यू होगी इन सबका जब सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो तो अगर हम इस तरीके से अलग अलग इंस्टेंट को भी ना देखें खाली 90 वाले को देख रहे हैं और अलग अलग इंस्टेंट को भी ना देखे तो 90 से भी हमें पता लग रहा है कि कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज कितना आता है जीरो आता है एक एक पॉइंट का भी देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कंप्लीट एसी साइकिल का एवरेज कितना आता है जीरो आता है इसलिए हम क्या करते हैं कभी भी अगर एवरेज निकालते हैं तो पूरी एसी साइकिल का कभी एवरेज नहीं निकालते पूरी एसी साइकिल की चाहे वोल्टेज हो चाहे करेंट हो कंप्लीट जो भी वेव साइन हो या कॉस्ट की टर्म में होगी वेरिएबल होगी कॉस्ट की वेब फॉर्म हो या साइन की वेब फॉर्म हो उसका जो कंप्लीट का एवरेज आता है टू पाई का वो हमेशा कितना आता है जीरो ही आता है इसलिए हमें क्या करना पड़ता है हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालना पड़ता है पूरी काउंट करेंगे लेकिन एवरेज सिर्फ कितने का निकालेंगे हाफ साइकिल का ही एवरेज निकालते हैं तो इसलिए कंप्लीट का एवरेज नहीं निकालते हम कितने का एवरेज निकालते हैं जब भी एसी की बात आती है हाफ का तो अगर हम क्या करें हाफ साइकिल का एवरेज निकालें हाफ साइकिल इसका मतलब सिर्फ ये वाली साइकिल को अभी भूल जाओ सिर्फ इतनी साइकिल को ध्यान में रखो आधी तो हाफ साइकिल का अगर एवरेज निकालेंगे वो यहां पर निकल जाएगा हाफ साइकिल को साइकिल को ये मान लेंगे कि हम नेगेटिव को मान नहीं रहे क्योंकि अगर नेगेटिव को यहाँ पर लेंगे तो नेगेटिव लेने से वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो तो हम हाफ का निकालेंगे हाफ का कैसे निकालेंगे सेम वी एवरेज इक्वल्स टू वन अपॉन साइकिल तो टू पाई ही है साइकिल हमारी कितनी है टू पाई ही है वैल्यू कहां से कहां तक ये वैरी कर रही है जो ये वैरी कर रही है वैल्यू वो कहां से कहां तक वैरी कर रही है इस टाइम हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज ही निकाल रहे हैं क्या चीज निकाल रहे हैं यहां पर एवरेज ही निकाल रहे हैं तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं सिर्फ कितनी साइकिल यहां पर लेते हैं आधी साइकिल लेते हैं कंप्लीट साइकिल यहां पर हम नहीं लेते हैं इस चीज का हमें क्या करना है ध्यान करना है तो कंप्लीट साइकिल अगर नहीं ले रहे तो यहां भी वन अपॉन टी की जगह कितना लिख दो हाफ ही लिख दू ये हाफ वेव रेक्टिफायर मत समझना हाफ वेव रेक्टिफायर अभी नेक्स्ट में देखेंगे मतलब हाफ वेव साइनसोडल मत समझना कंप्लीट ही साइन वेव समझना कंप्लीट साइन वेव में बस ये कह रहे हैं कि कभी भी अगर ऐसे साइन आ जाती है कंप्लीट साइन वेव आ जाती है तो हम कभी भी क्या नहीं करते पूरी वेव का ना लेके एवरेज सिर्फ कितनी वेव का लेते हैं हाफ वेव का ही लेते हैं तो वन पाई जीरो टू पाई बी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी सिर्फ इतना हमें करना है पूरी वेव का ना लेके आधी वेव का निकालेंगे कंप्लीट के होने की वजह से ही एवरेज कितना आता है जीरो आता है तो वी एवरेज इक्वल्स टू तो वन बाय पाई कितना तो देखो यही चीज यहां पर रख लो माइनस कॉस ओमेगा टी आया था ना जीरो टू पाई हमने बस डायरेक्ट रख लिया तो वन बाय पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस कितना आ गया जीरो पर वैल्यू आ गई क्या करा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहां पर कर दी ओमेगा टी था ओमेगा टी की जगह कितना रख दिया इतना अब यहां पर आ गया कॉस पाई एक मिनट यहां रुकना कोई चीज गड़बड़ कर दी क्या पाई हम्म हम्म

Okay, पाई यहां पर आया ठीक है ये वीएम की यहाँ पर गड़बड़ी आ रही थी एक वीएम यहां यहाँ पर आ गया ठीक ये आ गया अब कॉस पाई माइनस कॉस जीरो कौस पाई की क्या कहा था? कि का जो भी वेरिएंट आए कॉस पाई आए टू पाई आए थ्री पाई आए फोर पाई आए कोई भी कॉस पाई की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आती है वन ही यहां पर आती है पर जब कॉस पाई आएगा बस अंतर कितना आएगा साइन का आएगा पाई है, टू पाई है थ्री पाई है कोई भी वैल्यू आएगी बस अंतर किसका आएगा साइन का आएगा अदरवाइज वैल्यू कितनी आएगी वन ही आएगी जब यहाँ पर टू पाई था तो वैल्यू किसकी थी प्लस वन थी यहाँ पर टू पाई था तो वैल्यू किसकी थी प्लस वन थी अब यहाँ पर पाई आया है तो कॉस पाई पे वैल्यू कितनी होती है माइनस वन कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन तो यहां पर कितना आ गया माइनस टू माइनस माइनस प्लस तो टू वी एम बाई पाई ये चीज बस यहां लिख लेना एवरेज ऑफ हाफ वेव हमने सिर्फ क्या करा है फुल में से आधी वेव को कलेक्ट करा और आधी वेव का हमने क्या निकाल लिया यहां पर एवरेज निकाला है अब ये मत समझना कि टू पाई में से पाई का निकाला है ये नहीं हमने सिर्फ आधी ही वेव का निकाला है टू पाई में से पाई का नहीं हमने सिर्फ पाई ही वैल्यू ली और पाई वैल्यू लेकर हमने क्या निकाला एवरेज तो कितना आया वी एवरेज इज इक्वल्स टू टू तो वी एम बाई पाई ठीक तो ये हमारा क्या निकल गया साइन वेव का एवरेज पर साइन वेव का हमेशा याद रखना एवरेज जीरो ही आता है सिर्फ कितने का लेते हैं हाफ का ही हम यहाँ क्या लेते हैं एवरेज लेते हैं अब एवरेज देखो हो गया यहाँ एवरेज के बाद कौन सी वैल्यू आती है आरएमएस आरएमएस को क्या कहता है रूट मीन स्क्वायर क्या करना होता है उल्टा चलना होता है रूट मीन स्क्वायर कहां से चलो स्क्वायर मीन रूट यही चीज तुम्हें बताई थी तो इसी फॉर्मुले में अब इसकी नीड नहीं है ये तो हमने निकाल लिया अब सेम ये फॉर्मूला लो और इस फॉर्मुले में जो चीज बोली है रूट मीन स्क्वायर वो यहां पर कर दो तो कौन सी वैल्यू हमें निकालनी है आर एम एस वैल्यू आर वैल्यू वैल्यू में क्या काम करते हैं किसी भी चीज का आर एम एस निकालना है रूट मीन स्क्वायर इसका मतलब फंक्शन का स्क्वायर करो मीन हो गया ये इंट्रीग्रेशन इंट्रीगेशन एवरेज तो 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 है है मीन मीन हम कर ही रहे हैं स्क्वायर मीन रूट ये जो इंट्रीग्रेशन करा और वन बाय टी करा ये पूरा मेन का ही तो फॉर्मूला है और लगा दिया रूट तो हो गया रूट मेन स्क्वायर या ऐसे चलो रूट Mean, square. पर जो काम करते हैं दिखने का तो तुम्हें अभी भी दिखेगा यही कि रूट हो रहा है मीन हो रहा है स्क्वायर हो रहा है लेकिन जो ऑपरेट होता है ऑपरेट कैसे होता है पहले स्क्वायर करते हैं फिर मीन निकालते हैं एंड में क्या हो जाता है रूट यहां पर हो जाता है तो सेम चीज वही करनी है स्क्वायर मीन एंड रूट तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम वोल्टेज की तो वी आर एम एस इजिकल्स टू वी आर एम एस ये हमारी वैल्यू हो गई सॉल्व करते हैं अब इसे बहुत जल्दी से हम इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट वन बाय टू पाई वी आई को वी आई की वैल्यू लिखो सबसे पहले वी आई की वैल्यू कितनी हो गई वी एम साइन ओमेगा टी तो इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर तो वी का भी स्क्वायर करा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर साइन ओमेगा टी और ये क्या हो गया डी ओमेगा टी ठीक है अब स्क्वायर स्क्वायर को बाहर ले बाय टू पाई पाई स्क्वायर ओमेगा टी यहां पर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी अब साइन स्क्वायर का मतलब स्क्वायर के किसी भी टर्म का क्या नहीं होता इंटीग्रेशन नहीं होता तो स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस के टर्म में ओमेगा हम क्या लिख सकते cos की में लिख सकते सकते हैं के में तो यहाँ टू साइन स्क्वायर थीटा तो है नहीं यहाँ सिर्फ कितना साइन स्क्वायर थीटा कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाया है कॉस टू थीटा का cos two, two

टू ओमेगा टी डिवाइड बाय ये वाला टू नहीं चाहिए d omega, d omega, t. ठीक है यही यहां पर आया बस इसे आप क्या करो जल्दी से सॉल्व कर दो ये कंप्लीट वेव के लिए ही है ठीक अब इसे सॉल्व करो इंटीग्रेशन कर देते हैं इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा एम बाय टू, टू।, टू पाई इस टू को भी बाहर ले लो चलो इस टू को भी क्या कर लेते हैं बाहर ले, ले लेते हैं तो फोर पाई बचा अंदर क्या वन वन का इंटीग्रेशन कितना होगा डी ओमेगा टी या थीटा कुछ भी यहां पर कहो तो ओमेगा टी। वन का माइनस कॉस टू ओमेगा टी का क्या होगा साइन टू ओमेगा टू कॉन्स्टेंट है तो टू को क्या ले लिया है? हमने नीचे यही होगा ओमेगा टी और कॉस टू ओमेगा टी का साइन टू ओमेगा टी और साइन टू ओमेगा टी लिमिट कितनी है जीरो टू टू पाई क्या करना है यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यहां हमारा हो गया वी एम बाय फोर पाई ओमेगा टी में रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो टू पाई माइनस जीरो साइन टू ओमेगा टी मेरा रखो लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो साइन फो पाई अपॉन टू माइनस साइन जीरो ठीक है अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर वी एम बाय फोर पाई यहाँ पर कितना बचा टू पाई माइनस जीरो जीरो को लिखने की नीड नहीं है साइन फोर पाई साइन की भी सेम चीज है साइन पाई हो टू पाई हो थ्री पाई हो फोर पाई हो साइन की पाई की कोई भी वैल्यू हमेशा क्या आती है जीरो जीरो में प्लस माइनस होता नहीं है तो सिर्फ हम क्या बता सकते हैं साइन की पाई की कोई भी वैल्यू जैसे कॉस में मैंने कहा था कोई भी पाई की वैल्यू हो वन ही आता है बस कॉस में डिपेंड करता है इवन वाला पाई है या ऑड वाला पाई है ठीक है इवन वाला होता है तो जीरो वा... प्लस का बना जाता है ऑड वाला होता है तो माइनस बना जाता है यहां पर इवन ऑड का कोई चक्कर ही नहीं है साइन फोर पाई हमेशा कितना होता है जीर। जीरो, क्या होता है? जीरो। तो यहां पर तो सारी टर्म क्या आएंगे आगे की जीरो ही आएंगी तो कितना बचा ये टू पाई से टू पाई यहाँ कैंसिल करो तो ये यह। तो यहां वैल्यू आ गई वी एम रूट टू तो अगर फुल साइन वेव का आर एम एस लेते हैं फुल साइन वेव की आर एम एस वैल्यू लेते हैं तो हमेशा कितना आता है वीएम बाय टू यहां पर आता है तो आर एम एस वैल्यू ऑफ फुल साइन वेव इज ठीक आर एम एस वैल्यू और फुल की फुल साइन वेव की कितनी आती है हमेशा वीएम बाय टू आती है ये चीज हमेशा याद रखनी है कितनी आएगी आर एम एस वैल्यू ऑफ फुल साइन वेव इज वीएम बाय रूट टू नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट कौन सी लेते हैं हाफ वेव लेते हैं कौन सी लेंगे नेक्स्ट हाफ वे रेक्टिफायर या फिर इसे या तो हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा आ जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव या फिर हाफ साइन वेव वेव ही साइन वेव कैसी है हाफ है हाफ का मतलब कितना है ये इस तरीके से वेव है ठीक है तो इस तरीके से जब तुम्हारी वेव होगी फिर से यहाँ वैल्यू वी नोट या वी आ गया और ये कितनी है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पाई, पाई ठीक है टी, टी बाय टू कह दो ठीक है टी कह दो टी बाय टू कुछ भी यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं तो सेम जब हमने एवरेज वैल्यू निकाली तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है वन बाय टी जीरो टू टी वी यही तो है यहाँ पर अब तो डी टी लिखो टी की टर्म में तुम बात कर रहे हो या होती है तो हम किसकी टर्म में भी लिख देते हैं ओमेगा टी साइन वेव नहीं होगी तो हम सिंपल क्या लिखेंगे टी यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ साइन वेव है तो हम कितना लिख देते हैं डी ओमेगा टी लिख के चलते हैं तो वन बाय टी कितनी साइन वेव है और कौन सी है हाफ साइन वेव है तो आधे में तो वेव ही नहीं है ना आउटपुट ही नहीं है आधे में आधे में आउटपुट ही नहीं है तो हमें सिर्फ कितनी वेव का निकालना है हाफ वेव का निकालना है यहाँ पर आधे में हम पे क्या नहीं है आउटपुट है ही नहीं तो हमें सिर्फ कितने का निकालना है आधी वेव का ही आरएमएस निकालना है आधी वेव का ही हमें क्या निकालना है एवरेज वैल्यू निकालना है ये चीज यह हमें यहाँ ध्यान रखनी है हमें सिर्फ यहाँ कितने का जो वैल्यू निकालनी है वो कितने ही है? की निकालनी है हाफ की निकालनी है पर लेकिन टोटल टाइम लिमिट कितनी है टू पाई तो हम यहाँ लिखते हैं वन बाई टू पाई आउटपुट जो कितने में मिल रहा है सिर्फ जीरो टू पाई में मिल रहा है जीरो टू पाई में कितना मिल रहा है साइन वेव साइन वेव मतलब वी एम साइन ओमेगा और कोई बच्चा फिर भी सॉल्व पूरा करना चाहता है तो दूसरी लिमिट क्या लगाएगा टू 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 और जीरो है? है तो अगर कोई यहां लिखना भी चाहता है पाई टू टू पाई कितना है जीरो है तो जीरो का तो ये जीरो पर आएगा तो इसे लिखने की भी कोई नीड नहीं होती है सिर्फ कितने में लेते हैं जीरो टू टू पाई इस तरीके से होता है ये ठीक है तो by by. Vm कहां ले लिया बाहर इसका इंटीग्रेशन कर रहा है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आता है माइनस कॉस ओमेगा टी जीरो टू पाई बी एम बाई टू पाई माइनस कॉस कॉस पाई प्लस जीरो मैंने इस बार माइनस बाहर नहीं निकाला यहीं पर माइनस कर दिया बी एम बाई टू पाई कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर माइनस वन होती है कहा था ऑर्ड वाले की कितनी होती है माइनस वन होती है तो माइनस माइनस प्लस वन कॉस जीरो की वन तो कितना जीरो की वन वन प्लस वन टू टू पा तो हाफ वेव रेक्टिफायर है या हाफ साइन वेव है तो हाफ साइन वेव की हमेशा जो वैल्यू आएगी आ, आ, कोई गड़बड़ हो गई है हाफ वेव रेक्टिफायर या हाफ साइन वेव की हमेशा जो वैल्यू आएगी ये टू पाई था यहाँ और ये वन और वन जोड़ के कितना आया था टू टू से टू कैंसिल हो गया ये टू पाई था लिखते लिखते यहाँ गायब कर दिया था और 1 और 1 2 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो कितना आ गया VM पाई हाफ साइन वेव कभी भी होगी तो हाफ साइन वेव का जो आरएमएस एवरेज वैल्यू आएगा वो हमेशा कितना आएगा VM पाई आएगा इस चीज को हमें याद रखना है कितना आएगा VM पाई हाफ साइन वेव हाफ साइन वेव में आउटपुट टोटल कितने पे कहां है 2 पाई का लेकिन इनपुट uh, मतलब जो इनपुट वेव आई टोटल वो कितने की दी हमने टू पाई के लेकिन जो आउटपुट पर वेव मिली वो टू पाई में से सिर्फ कितने पर मिली पाई पे मिली तो कैसे निकालते हैं हमेशा वन बाई टू पाई तो टो टोटल टाइम होता है जिसका हमें एवरेज लेना है लेकिन उस एवरेज में जो हमें इवेंट मिला है वो सिर्फ कितनी देर के लिए मिला है जीरो टू पाई तो जीरो टू पाई हमने क्या रखी है लिमिट रखी है नेक्स्ट चीज क्या है आर एम एस वैल्यू तो अगर आर एम एस वैल्यू निकालेंगे सेम चीज ही करनी है सिर्फ क्या करना है अंडर रूट वन बाय टू पाई वी ओमेगा टी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर डी ओमेगा टी ठीक है सेम क्या करना है आरएमएस निकालने के लिए रूट मीन स्क्वायर तो इसका क्या करना था रूट मीन स्क्वायर तो वही चीज हमने यहां पर कर दी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए तो वी आर एम एस इजिकल्स टू अंडर रूट में वन बाय टू पाई जीरो टू पाई वी स्क्वायर बाहर ले लिया क्या चीज बताई थी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस टू ओमेगा टी बाय टू डी ओमेगा टी इसको सब सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व करके कितना आएगा तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये टू भी बाहर हमने यहाँ पर ले लिया वी स्क्वायर बाय फोर पाई वन का इंटीग्रेशन कराया यहाँ वन का इंटीग्रेशन कितना था ओमेगा टी माइनस कॉस टू ओमेगा टी का साइन टू ओमेगा टी बाय टू लिमिट जीरो टू पाई ठीक है तो इसे यहां लिया वी आर एम एस इज इक्वल्स टू कितना वी आर एम यहां पर वैल्यू आ गई में स्क्वायर अपॉन फोर पाई ओमेगा टी में लिमिट रखो पाई माइनस जीरो साइन टू पाई हो कितना भी हो सब आगे कितना आएगा जीरो ही आएगा ये इस तरीके से हमने क्या रख दिया यहां पर लिमिट वैल्यू कितनी आई एम अपॉन फोर पाई यहाँ सिर्फ कितना है पाई माइनस जीरो है ना वो सब क्या आ जाएगा जीरो ही आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया वी एम स्क्वायर अपॉन फोर तो दोनों को बाहर निकाला वी एम बाय टू तो अगर हाफ साइन है हाफ साइन वेव की आर वैल्यू निकालते हैं तो हाफ साइन वेव की आर वैल्यू कितनी आती है वीएम बाई टू आती है जिसमें कि वी एम क्या है मैक्सिमम वैल्यू इसे कोई वी नॉट भी लिख सकता है कुछ जो भी लिखेगा तो उसे क्या लिख करना है वीएम को वहां पे प्लेस करना है ये ये वाली वैल्यू जो भी जिसके में बुक में या कहीं पर भी जो लिख रखा हो इसकी जगह वो लिख सकते हो कितनी है करंट होगा तो आई एम बाई टू वोल्टेज होगी तो वी एम बाई टू ये हमारी क्या हो गई हाफ वेव नेक्स्ट अगर हमारी है फुल वेव रेक्टिफायर फुल रेक्टिफायर थर्ड फुल रेक्टिफायर या फिर फुल साइन वेव क्या साइन वेव केवल वन डायरेक्शन में जिसे हम डीसी भी एक तरीके से कहते हैं डीसी और एसी में यही तो डिफरेंस होता है कि एसी तो बोथ डायरेक्शन में चलती है इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो बार बार क्या होगी चेंज होगी एम्पलीट्यूड तो होगा होगा डायरेक्शन भी होगी लेकिन डीसी क्या होता है एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती चेंज उसमें बिल्कुल भी तो so, एक तरीके से जो हाफ साइन वेव है ये प्योर साइन वेव है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर इन्हें हम डीसी वैल्यूज भी कह देते हैं ठीक है so, तो इस टाइम पे जो हम वेव लेंगे वो हम कौन सी वेव लेंगे इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर की वेव ये वाली so, अगर वेव इस तरीके से ठीक है ठीके? ओमेगा टी लिख लो टी यहां पर लिख लो तो क्या है ये जो हमारी रिपीट कर रही है ये पाई है ये टू पाई है चाहे इसे टू पाई भी लिख सकते थे पाई टू पाई जो भी है तो हमने इस तरीके से लिख लिया पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई बार बार ये साइन वेव क्या कर रही है इसी तरीके से रिपीट कर रही है ये फुल वेव रेक्टिफायर की भी वेव होती है ठीक है ये हमने वीएम वैल्यू मान ली तो हमें पता है यहाँ जो वेव रिपीट कर रही है यहाँ वेव कितने टाइम के बाद रिपीट कर रही है पाई टाइम के बाद रिपीट कर रही है तो हमें जो एवरेज लेना है या आरएमएस कुछ भी वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें हमें जरूरत नहीं है कि हम टू पाई के ले जो टू पाई के लिए निकलेगी वो ही पाई की निकलेगी सेम चीज तो है एवरेज तो पाई के लिए ले चाहे टू पाई के लिए चाहे थ्री पाई फोर पाई के जितने के लिए भी ले वैल्यू सेम ही निकलने तो हम एवरेज सिर्फ कितने का लेते हैं पाई का ही लेते हैं तो यहाँ जो वी एवरेज लेंगे वो सिर्फ कितने का लेंगे वन बाय पाई पाई के लिए ही आउटपुट भी लेंगे क्यों क्योंकि पाई के बाद वो चीज रिपीट हो रही है वहां जब हाफ वेव पे हमने टू पाई कंप्लीट देखा था टू पाई क्यों देखा था कि टू पाई में पाई मिल रहा था लेकिन यहाँ टू पाई में टू पाई ही मिलेगा पाई में पाई ही मिलेगा ठीक है तो चाहे कोई बच्चा ये चेक करने के लिए कि नहीं अगर टू पाई लगाएंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी तो वो चेक कर सकता है चाहे वन बाई टू पाई जीरो से टू पाई से सॉल्व करो चाहे वन अपॉन पाई जीरो से पाई से सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा ठीक है तो वन अपॉन पाई हमने क्या लिख दिया टी डी ओमेगा टी ठीक है तो अगर कोई लिखता pi, तो वो कैसे लिखता वन अपॉन टू पाई जीरो टू पाई में लिखता साइन ओमेगा टी फिर पाई टू टू पाई में लिखता साइन ओमेगा टी बी एम साइन ओमेगा टी और सॉल्व करके देखें तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो हमारा अब आएगा ठीक है वन अपॉन पाई वी एम हमने बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट है साइन ओमेगा टी का माइनस होता है और लिमिट है हमारी जीरो तो हमारी गायब हो गई थी तब तो हमने निकाला था माइनस साइन बाहर ले रहे तो बाहर ले लो अंदर लो तो भी कोई इफेक्ट यहां पर नहीं था कॉस पाई माइनस कॉस जीरो वी एम बाई पाई माइनस 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 सेम चीज वाला कितना आ गया अगर रेक्टिफायर हुआ तो रेक्टिफायर में जो एवरेज आता है वो कितना आता है टू वी एम बाई टू वी एम बाई पाई सेम किसकी तरह आया

वन अपॉन पाई जीरो टू पाई करा मेन और स्क्वायर बी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी ठीक है वन अपॉन पाई स्क्वायर यहाँ बाहर ले लिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का स्क्वायर बाहर ले लिया जीरो टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस कॉफ टू ओमेगा टी अपॉन टू पाई वन का ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा जीरो टू पाई यहाँ लिमिट रखो जब यहां लिमिट रखोगे सॉल्व करना यहां लिमिट रखो इसे लिमिट लगा के सॉल्व करो तो देखो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बी एम बाय Root ये है आरएमएस ठीक है देखो ओमेगा टी की जगह पाई रखोगे ठीक है साइन टू ओमेगा टी की जगह कितना रखोगे टू पाई रखोगे वो तो जीरो आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वीएम स्क्वायर बाई टू वीएम रूट से बाहर आएगा तो बचेगा वीएम टू रूट में ही रहेगा तो इतना आएगा टू ठीक है डायरेक्ट लिमिट रख दी मैंने यहीं पर ही और सॉल्व कर लिया मुझे पता है ये वाली टर्म में चाहे जीरो रखू पाई रखू जीरो ही आएगा जो वैल्यू निकल के आ रही है इन सबको याद रखनी है अगर कोई न्यूमेरिकल आता है कोई भी चीज उसमें तुम्हें क्या होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है तो ये तो हमारी खत्म हो गई किसी भी टाइप की साइन वेव अगर हमारी चाहे एसी साइन वेव हो चाहे डीसी वाली वेव हो डीसी इसलिए कहा अगर एक डायरेक्शन में है जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर प्योर साइन वेव थी जो हमारी में चल रही थी हमने सबकी क्या करेंगे स्क्वायर का हो रेक्टेंगल का हो बस वो लिमिट पे डिपेंड करता है हमें रेक्टेंगल दिया है तो रेक्टेंगल वाला एरिया होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला होगा स्क्वायर वेव तो स्क्वायर वेव में भी सबसे पहले कहां से चलेंगे फुल स्क्वायर वेव में भी कौन सी चलेंगे सबसे पहले फुल मतलब भी हमने कहा सबसे पहले फुल स्क्वायर वेव का मतलब इस तरीके से चल रहे हैं ठीक है टी तुमने यहां पर क्या ले लिया टाइम अब यहां भी सेम जीरो

और जो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है मान लो माइनस वी ठीक है और ये क्या है वोल्टेज करंट की निकालना चाहो करंट की वोल्टेज की निकालना चाहो वोल्टेज की तो प्लस वीएम कह दी और इसे क्या कह दी हमने माइनस वीएम यहां पर साइन का कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि वैल्यू क्या नहीं है वेरिएबल नहीं ठीक है तो यहां पर स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो उसमें कांस्टेंट वैल्यू आती है तो भी फिक्स है नेगेटिव में देखो तो भी फिक्स है एवरेज तो तो इसका निकालते हैं तो तुम देखो सेम सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है सोल्व करोगे वो भी हम देख लेंगे जितनी वैल्यू यहाँ है उतनी वैल्यू निगेटिव में है दोनों को जोड़ेंगे तो एवरेज कितना आएगा जीरो ही आएगा फिर भी हम करके यहाँ पर देखते हैं एवरेज एवरेज इज इक्वल्स टू वन बाय टी कंप्लीट साइकिल का निकाल रहे हैं जीरो टू टी वी डी ओमेगा टी का यहाँ लेने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो चेंज होती रहती है आपको ये वैल्यू क्या नहीं हो रही चेंज नहीं हो रही तो so वन बाय टी लिमिट लगाई सबसे पहले जीरो टू टी बाय टू टू टी बाय कितना है वी एम प्लस फिर टी बाय से टी बाय से टी कितना है माइनस वी एम डी टी यही तो वैल्यू है तो अगर वन बाय टी वी एम तो बाहर आ गया अंदर कितना बचा one. One का कितना होता है टी लिमिट हो गई जीरो टू टी बाय टू ठीक है टी बाय टू ये माइनस बाहर ले लो चाहे माइनस यहां पर कितना है भी इसका भी बाहर ले लिया चलो बी वैसे बी हम पूरा ही बाहर ले सकते थे पर अभी नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं भी ले लिया बी था यहां भी बाढ़िया टी टी, टू से टी।, वन टी। वी वन बाय टी T एम यहां कितना हो गया टी वाय टू माइनस जीरो तो सिर्फ कितना बचा टी बाय टू माइनस बी यहाँ यहां कितना है टी माइनस टी बाय टू ठीक है वन बाय टी बीएम टी वाय टू माइनस बी एम टी टी माइनस टू माइनस टी माइ मतलब टी माइनस टी माइनस टू कितना होता है टी वाई टू होता है टी बाय टू तो कितना आ गया बी एम टी बाई टू में से बी एम टी वाई टू है जीरो यही चीज मैंने बता भी दी थी देख के ही तो कुछ वेव्स तो तुम देख के ही बता सकते हो जैसे प्योर साइन प्योर स्क्वायर दोनों में ही क्या होता जितने है जितनी वैल्यू ऊपर है अबव है उतनी ही वैल्यू नीचे भी है तो दोनों वैल्यू बराबर बराबर होके अगर एवरेज लेंगे वैल्यू कितनी आती है जीरो तो फुल स्क्वायर वेव की भी एवरेज हमेशा कितना आएगा जीरो आएगा इसीलिए फुल स्क्वायर वेव का भी एवरेज नहीं लेते हैं एवरेज कितने का लेते हैं हाफ का एवरेज okay. हमेशा कितने का ले लेते हैं इसमें भी हाफ साइकिल मानते हैं हाफ मतलब और हाफ का ही हम क्या लेते हैं एवरेज इसका मतलब आधी साइकिल को हटा के सिर्फ जीरो टू टी बाई टू का हम क्या लेंगे एवरेज लेंगे वो हम अभी आगे जब वेव देखेंगे वहीं पर इसका एवरेज भी क्या कर लेते हैं देख लेते हैं अब क्या निकालनी है आर वैल्यू आर वैल्यू में इसी से ही यहीं पे ही निकालते हैं आर बार बार अलग जगह नहीं करते हैं. यहीं पर ही आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू में क्या करना है स्क्वायर मीन रूट और वैल्यू क्या बन गई आरएमएस। यही तो होती है आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू हमने निकाल दी आरएमएस वैल्यू इज इक्वल्स टू वन बाय टी सेम चीज है यहां भी जीरो टू टी बाय टू वी को क्या मानना है वी एम डी टी प्लस टी बाय टू टू टी माइनस वी एम डी टी वी एम बाहर निकाल लो बार बार बी एम बी एम लिखना पड़ता है तो वी एम बाई टी आ गया यहाँ पर कितना आ गया वन मतलब टी जीरो टू टी बाय टू माइनस टी स्क्वायर था यहाँ पर यहाँ वैल्यू कितनी थी स्क्वायर थी यहाँ वैल्यू कितनी थी स्क्वायर स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर हुआ कितना हो गया प्लस का माइनस का स्क्वायर हो गया किसका हुआ प्लस so का तो यहाँ साइन किसका प्लस का ही आएगा टी बाय टू से टी बी एम बाई टी टी बाय टू माइनस जीरो प्लस टी माइनस t/2 यही तो आगे t/2 से t/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं मतलब t minus 2 में से जीरो गया जीरो t/2 से t/2 कैंसिल हो गया सिर्फ कितना बचा t यहाँ पर बचा सिर्फ कितनी वैल्यू यहाँ पर बची है t वैल्यू यहाँ पर बची है t से t क्या हो गया कैंसिल हो गया तो so, एवरेज rms वैल्यू ऑफ फुल वेव स्क्वायर वेव वेव्स vm

वैल्यू तो सेम ही आएगी तो हमें निकालने की नीड भी नहीं थी फिर भी हमने क्या करा निकाल के आपको दिखा दिया नेक्स्ट क्या है अगर स्क्वायर वेव कैसी हो हाफ स्क्वायर वेव हो स्क्वायर वेव कैसी हो हाफ स्क्वायर वेव हाफ स्क्वायर वेव हाफ स्क्वायर वेव किस तरीके से कहेंगे कि पहले हाफ मिली फिर नहीं मिली कुछ टाइम के लिए फिर हाफ मिल रही है फिर हाफ नहीं मिल रही है फिर हाफ मिल रही है इस तरीके से कैसी हो गई ये हाफ स्क्वायर वेव हो गई हाफ स्क्वायर वेव के टाइम में यहां भी ये टाइम जीरो तो टी। टी यहां पर मिल रहा है और ये वाला कितना है टी बाय टू ये हो गई वैल्यू बी एम और वोल्टेज की हम क्या निकाल रहे हैं मान लो फंक्शन हमारा क्या है वोल्टेज है तो यहां पर भी एवरेज वैल्यू जब निकालोगे तो क्या हो गया वन अपॉन टी क्या वैल्यू लिए यहाँ वन अपॉन टी वैल्यू ले रहे हैं तो वन अपॉन टी लेकिन वन अपॉन टी में से जो आउटपुट मिल रहा है वो कितने समय के लिए मिल रहा है टी बाई टू के लिए तो मिल रहा है जीरो तो लग टू टी बाय टू कितना मिल रहा है अब चाहे मैं इसे टी बाई टू से t भी लगाना चाहूं तो भी लिख सकती हूँ अगर लिमिट टी बाय टू से t भी लगाना चाहूं पर मिलेगा कितना जीरो तो कोई उसे लिखने का फायदा भी नहीं होता लिखो मत लिखो जीरो ही आना है वन बाय टी जीरो टू टी बाय टू बी एम यहां बाहर आ गया कितना बचा डी टी वी एम बाय टी टी बाय टू माइनस जीरो वीरोम बाय टी से टी कैंसिल कर दिया तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइन स्क्वायर वे वी एम बाई टू ठीक है तो एवरेज वैल्यू निकाल ली वी एम टू हमारा यहाँ पर आ गया इसमें कोई प्रॉब्लम टी से टी कैंसिल हो गया टू नीचे आ गया तो अगर हाफ स्क्वायर वे गए तो कितना आएगा हमारा एवरेज हमेशा वी एम टू ही यहाँ पर आएगा आर वैल्यू निकालनी है इसी का क्या, क्या करो रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर करने के लिए क्या चीज करते हैं स्क्वायर और रूट ठीक है ये हो गई हमारी कौन सी वैल्यू आर एम एस वैल्यू तो ये हमारे आर वैल्यू निकाल लेंगे वो तो जीरो ही है तो जीरो ही रहने दो कितना आएगा जो पहले आया उसका क्या हो जाएगा रूट पहले क्या आया था Vm बाई टू वीएम बाई टू का क्या हो जाएगा रूट ये स्क्वायर था तो इसका कुछ नहीं होने का डायरेक्ट कराए वन का क्या होता है टी होता है लिमिट रख दिया पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी से टी कैंसिल टू बचा बी एम स्क्वायर बाहर आ गया बाय रूप टू आ गया ठीक है तो so ये क्या हो गई हमारी आरएमएस वैल्यू हो गई किसकी हाफ साइन स्क्वायर वेव की तो हाफ साइन स्क्वायर वेव भी हो गई अब सॉरी हाफ साइन बोल रहे हैं हाफ स्क्वायर वेव भी हो गई हाफ स्क्वायर वेव के बाद स्क्वायर हाफ स्क्वायर वेव के बाद हमारी क्या है फुल स्क्वायर वेव, फुल में भी कैसे एक तो हमने फुल स्क्वायर वेव साइड की पढ़ ली एक फुल स्क्वायर वेव सिंगल साइड इसका मतलब डीसी टाइप की डीसी टाइप की कैसी इस तरीके, था. अगर हमें स्क्वायर वेव को ए की तरफ मिल रही है जैसे क्या कहा था कि अगर फुल वाली जो स्क्वायर वेव है उसकी निगेटिव वाली भी ऊपर की तरफ कर दी कब यूज करते हैं क्या कहा था जब हमारा एवरेज पुलिस स्क्वायर वेव का नहीं निकलता तो हम ऐसी वेव बनाकर उसका एवरेज निकालते हैं तो अगर इस तरीके से स्क्वायर वेव हो, होती नहीं है वैसे ऐसे बस तुम्हें बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से मान लेते हैं फिर हम तो ये कितना हो गया ई बाय टू टी बी एम अब यहां पर अगर तुम क्या निकाल रहे हो एवरेज निकाल रहे हो ये सिर्फ किस केस के लिए लिया है सेम वही केस जो हमारा क्या था फुल वेव स्क्वायर वेव में क्या कहा था पूरी वेव का नहीं ले सकते जो फुल स्क्वायर वेव थी यहां पर हम क्या नहीं कर सकते थे पूरी वेव का हम एवरेज नहीं ले सकते तो हम क्या करते हैं सिर्फ आधी वेव का लेते हैं इतनी वेव का तो वो ही सेम इसके साथ होगा हम जो एवरेज लेते हैं जितने का हमें निकालना है उतने का ही तो लेंगे टी बाय टू क्योंकि हम देख रहे हैं टी बाय टू के बाद ये बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है टी बाय टू के बाद ये बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है तो ये वाला पार्ट भी ऐसे ऊपर गया है ठीक है वन बाय टी बाय टू ही लेंगे कंप्लीट टी नहीं लेंगे क्योंकि कंप्लीट टी लेंगे उसमें दो सेम वैसी वैसी ही वेव आ रही है तो वन अपॉन टी बाय टू जीरो से टू बाय टू मिल गया नहीं है पॉजिटिव ही यही चीज बस हमें करनी थी क्योंकि निगेटिव की वजह से एवरेज जीरो, तो तो जीरो से टी बाई टू और टी बाई टू से टी तब यहाँ पर टाइम पीरियड टी लिखना पड़ेगा क्योंकि एवरेज में बाहर टी यही बताता है कि कितने का एवरेज ले रहे हैं जैसे हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं ना नंबर ऑफ वैल्यूज ये टी नंबर ऑफ वैल्यूज ही है तो नंबर ऑफ वैल्यूज टी बाई टू को बार बार जोड़ टी में ले रहे हैं तो टी को ही बार बार एड करो तो ये चीज ये होता है ठीक है तो यहाँ पर वन बाय टी बाय टू बी एम बाहर ले लिया इंटीग्रेशन वन का कितना होता है डी टी टी बाय टू माइनस टी बाय टू से टी बायू कैंसिल कितना आ गया वी आ गया इसका मतलब एवरेज ऑफ फुल स्क्वायर वेव इन सेम साइड इज वीएम तो क्या निकालते हैं जब भी पूरी स्क्वायर वेव का तो एवरेज निकल नहीं सकता तो आधी स्क्वायर वेव का एवरेज निकालते हैं उसका कितना निकलता है वीएम ही निकलता है अब सेम अगर आर एम एस वैल्यू निकालनी है तो आर एम एस वैल्यू तो देखो सेम वही हो गई जो अभी हमने पीछे भी करी थी शायद इसकी आर एम एस यही तो है जो इसे भी ऊपर पहुंचाएंगे तो आर एम एस भी इसकी कितनी निकलेगी वीएम ही निकलेगी चाहे यहां पर हम करके भी देख लेंगे <coughs> टी वाई टू से टीएम टी वाई टू कट गया ये स्क्वायर में है, तो भी कितनी आई टी एम आई। <coughs> तो जो फुल की होती है, वो हमारी इसकी भी क्या होती है आरेमेस. जैसे साइन में था, प्योर साइन की वी एम रूट थी, तो जो हमने साइन फुल वेव रेक्टिफायर में ऊपर वेव करी थी उसकी भी आर एम एस कितनी थी वी एम बाई रूट टू थी प्योर साइन वेव के लिए भी हम क्या करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर वाले या एवरेज को मानते हैं सेम यहाँ पर भी हमने कराए कि प्योर स्क्वायर वेव में भी क्या होता है एवरेज जीरो होता है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर वेव ऊपर ले जाते हैं तब एवरेज निकालते हैं वीएम निकलता है और आर भी सेम उतना ही निकलता है तो स्क्वायर वेव चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे फुल स्क्वायर वेव हो दोनों का क्या सेम रहता है आरएमएस लेकिन एवरेज उसका जीरो रहता है और इसका एवरेज कितना होता है वीएम ही होता है इसके बराबर तो हमारी ये कौन सी वेव भी हो गई स्क्वायर वेव भी हो गई साइन वेव भी हो गई लास्ट कौन सी बची ट्राइंगल तो ट्राई वेव ट्राई

आरी बोलते हैं उसके टूथ की तरह आरी कैसे रहते हैं दांत तो उसके टूथ की तरह है, जो वेव होती है वो सॉटूथ वेव फॉर्म होती है तो एक तरीके से ट्रायंगल भी है ये इसे ही ट्रायंगल कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है इसमें वेव देखो इस टाइम के बाद सेम रिपीट हो रही है ना तो टाइम तो यहीं पे t मानेंगे इसे टी बाई टू तो मान नहीं सकते क्योंकि इतने समय के बाद टाइम वेव फिर से रिपीट हो रही है इसमें दूसरी डायरेक्शन में कोई वेव नहीं है दूसरी डायरेक्शन वाली हो सकती है पर वो हम पढ़ेंगे नहीं इस तरीके से इसकी भी निकाल सकते हैं पर कोई यहाँ पर नीड नहीं है हम ये वाली निकालेंगे तो ये टू टी थ्री टी, टी जो भी है सब रिपीट होगा वोल्टेज की बात कर रहे हो तो वोल्टेज यहां इसे हमने ये मान ली प्लस वी एम और ये हो गई जीरो हमने वीएम की वैल्यू यहां इतनी मान ली अब चाहे वेव ये वाली हो चाहे वेव इस तरीके की हो अगर वेव ये भी है इस कंडीशन में भी क्या होगा वैल्यू सेम ही आएगी बस तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए टी टू टी अब यहां आधा होगा ठीक है वैल्यू इसे भी वीएम कह दो तो मैं ये वाली सॉल्व करके दिखाऊंगी तुम सबका होमवर्क है कि तुम इसे सॉल्व करना और देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा वी है ठीक मैं ये वाली सॉल्व करूंगी ये वी एम टी बाई टू अब ट्राइंगल में ये देखो, लाइन होती है। तो यहाँ पर ट्राइंगल में ना तो तुम स्क्वायर की तरह जगह तरीके से वी लिख सकते हो इसका आउटपुट ना ही साइन की तरह वी है, एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हो तो अगर कहीं भी ट्राइंगल वेव होते है तो हम क्या करते हैं मैथ्स में हमने पढ़ा है हम यहाँ जो लाइन का फॉर्मुला होता है कि अगर कोई पे लाइन होती है स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है जब स्ट्रेट लाइन लाइन में तुम तो y एक्सिस पे कोई है उसके आउटपुट निकालते हो तो क्या करते हो यही तो फॉर्मूला लगाते हो y माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम एम बराबर क्या होता है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन यही तो फॉर्मूला होता है y बराबर एम एक्स यहां पर एम एक्स ये कब होता है जब हमारे दो डिफरेंट दो पॉइंट के बीच में लाइन निकालनी है हम पे दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है उनके बीच में अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये है लिखता है वाई एक्सेस वाली चीज है एक्स क्या है एक्स एक्सेस वाली चीज है X वाली और वाई वन वाई टू ये क्या है पॉइंट है तो एक्स तो क्या है ये टी वाई क्या है ये वी जो तो ये मेन वी है और जो मेन टी है ये तो हो गए वाई और एक्स लेकिन ये जो वाई वन वाई टू क्या है ये पॉइंट है ये वाले ये वाले ये वाले पॉइंट ठीक है तो हमारा वाई टू और वाई वन क्या है वाई वन है जीरो और वाई टू कितना है वी एम तो वाई टू और वाई वन तो हमारे कितने पॉइंट है वाई टू और वाई वन हमारे क्या है जीरो और वी एम और एक्स वन और एक्स टू क्या है एक्स वन जीरो है x2 टू कितना कितना है t तो यहाँ के तो पॉइंट हो गए जीरो और t x के ये क्या हो गए हमारे x के लेकिन x1 y1 लिखते हैं ना पॉइंट तो ये x1 y1 तो यहाँ तो हो गए जीरो जीरो x1 y1 वो सॉरी x1 y1 और x2 y2 कितना है t और बी एम होगा एक्स टू वाई टू तो यहां पे सबसे पहले तो हम वोल्टेज की वैल्यू ही निकाल लेते हैं कि हम जो आउटपुट में जो फंक्शन रखेंगे फंक्शन क्या है तो फंक्शन हमारा क्या है वोल्टेज है तो वी माइनस वाई वन कितना है वी एम माइनस वाई वन कितना है जीरो एक्स टू कितना, कितना, कितना है टी एक्स वन कितना है जीरो एक्स कितना है ये टी की लाइन है ना वेरी जो कर रहा है किसकी रेस्पेक्ट में कर रहा है टी तो एक्स कितना है टी एक्स वन कितना है जी तो वी इज इक्वल्स टू वी बाय टी इस टी ये निकल के आ गई वोल्टेज करंट की निकालोगे करंट ये हर जगह चल सकता है जहां भी ऐसी वेव दी हो अब जो बच्चा इसे इस सॉल्व करेगा उसमें दो लिमिट लगाएगा जीरो से टी बाई टू टी टू से टी जीरो से टी बाई क्या होगा जीरो जीरो और टी बाई और वी एम. एक्स वन एक्स टू और इसकी अलग लगाएगा टी बाई टू से टी तो इसके लिए पॉइंट क्या बनेंगे जो एक्स वन और वाई वन होगा वो क्या होगा टी बाई टू और बी एम और एक्स टू और वाई टू क्या होंगे तो यहाँ दो इक्वेशन लगेगी वहां एक लगेगी इसे सब बच्चे सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एवरेज एवरेज हमारा क्या होता है वन बाय टी जीरो से टी फंक्शन ऑफ टी डी टी ठीक है तो वन बाय टी सही है हमारे लिए भी टी ही है टाइम पीरियड निकाल भी हम जीरो से टी का ही रहे हैं ये भी ठीक है फंक्शन ऑफ टी क्या है है हमारा हमारा वोल्टेज का और ये कितनी वैल्यू आई है ठीक है यही वैल्यू आई है vm बाई टी को हम क्या कर सकते हैं बाहर लिख सकते हैं तो ये कितना आ गया वी एम बाई टी का स्क्वायर आ गया टी का इंटीग्रेशन करो टी का इंटीग्रेशन कितना होता है टी टू कॉन्स्टेंट का वन होता है जितना आता है उतना बड़ा कर जाते हैं जीरो टू टी सॉल्व करो इसे टी स्क्वायर लिमिट रखो टी और ये टी स्क्वायर माइनस जीरो ठीक है तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया बाकी कितना बचा एम तो चाहे ट्राइंगल वेव हो वेव फॉर्म हो उनका एवरेज कितना आता है हमेशा वी एम बाय टू आता है इस को याद रखना ट्राइंगल वेव फॉर्म हो कैसी भी वेव फॉर्म हो एवरेज कितना आएगा जो भी वैल्यू दी होगी कॉन्स्टेंट वो डिवाइडेड बाय टू जिसे याद हो जाए तो अच्छी बात है वरना निकालने का तरीका तुम्हें बता ही दिया है अब क्या निकालना है आर एम एस आर एम एस निकालने के लिए क्या करना है आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है रूट और फंक्शन का स्क्वायर तो तुम्हें यहां पर क्या करना है बस रूट और फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन तो हमारा यही तो है फंक्शन का क्या हो जाएगा यहां पर स्क्वायर हो जाएगा जो भी फंक्शन है पूरे फंक्शन का स्क्वायर फंक्शन यही था हमारा बी एम बाई टी इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर यहां पर कर दिया तो वन बाय बीएम रूट ये स्क्वायर वाले बाहर आ गए तो तो क्यूब हो गया एक टी पहले से है एक टी का स्क्वायर बाहर आ गया टी स्क्वायर बचा टी स्क्वायर का इंट्रीगेशन लो इंट्रीगेशन अब हमें जो लेना है वो किसका लेना है टी स्क्वायर का लेना है ठीक है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी एन प्लस वन एन प्लस वन कितना हो गया टी थ्री नीचे कितना आएगा नीचे भी तो एन प्लस वन आता है तो टू हो रहे यही तो होता है इसमें किसी भी चीज में जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है टी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन तो टी की पावर एन मतलब टी की पावर एन जो भी थी तुम्हारी थी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर वहां पर हमने क्या कर दिया लिख दिया तो T क्यूब वहां भी आ गया अब वहां पर हमें बस क्या लिखनी है लिमिट लिखनी है माइनस जीरो टी क्यूब बाए से टी क्यूब कैंसिल हो गया कितना आ गया वी एम स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट अंदर ही रहेगा तो Vm एम बाय रूट थ्री साइन में होता है वी एम रूट टू और इसको जो तुम्हारी कौन सी वेव आएगी ट्राइंगल या शॉर्ट टूथ आएगी उसका हमेशा आर एम एस कितना लिखने का वी एम रूट थ्री। ये हमें क्या रखनी है याद रखनी है कोई भी वेव अब आ जाएगी तो तुम्हें क्या निकालना चाहिए निकालना आना चाहिए एवरेज और आर एम एस याद किसी को नहीं भी हो रहा है तो बस तुम्हें फंडा आना चाहिए कि, कि किस तरीके से लिमिट लगाते हैं कितने एरिया का आरएमएस निकालते हैं तो इजीली तुम क्या कर सकते हो किसी भी वेव का आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो वहां पर तो आज हमने क्या कर लिया सारी वेव जितने भी टाइप की वेव थी उन सब का हमने क्या निकाला है एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकाल ली है ज्यादा वेव हमें ये सारी पढ़नी नहीं है हमें जो आगे पढ़ना है क्या पढ़ना है साइन वेव पढ़ना है तो हमने यहाँ एवरेज और आरएमएस निकाल लिया अब हम पावर का या किसी भी चीज़ का एवरेज निकालेंगे तो ईजिली वहां पर क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं आगे मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय